आज हम बात करेंगे क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स के बारे में, जिसका दूसरा नाम सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स भी होता है। ये टोटल 6 में मेथड्स होते हैं। पहला है मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, राशनिंग, मॉरल सुएशन, पब्लिसिटी एंड डायरेक्ट एक्शंस। एक एक करके हम इनको पढ़ाई करते हैं। सबसे पहला है मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। तो बात आती है कि मार्जिन वर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, मान लीजिए मैं एक बिजनेस करती हूँ, मैं बेडशीट्स खरीदती और बेचती हूँ। एक बेडशीट मैं लेकर आती हूँ 1800 रुपीज की, उसको मैं 2000 में बेच देती हूँ, तो मैंने 200 रुपए का मार्जिन रख लिया। मैं काम क्यों करूंगी? मैं अपने मार्जिन के लिए काम करूंगी। बिना मार्जिन के कोई भी काम नहीं होता, भले वो आपका बिजनेस छोटा है या बड़ा है, मार्जिन तो सबको चाहिए। उसी तरह से जो कमर्शियल बैंक्स हमें लोन देते हैं, उसके ऊपर भी वो एक मार्जिन रखते हैं। बिना मार्जिन के कोई भी कमर्शियल बैंक आपको लोन नहीं देता है। देखिए, जब हमें लोन की जरूरत होती है, हम कहाँ जाते हैं? कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं। कमर्शियल बैंक्स नो डाउट हमें लोन देते हैं, हमारी केस प्रोफाइल को स्टडी करते हैं, लेकिन एक कोलेटरल के साथ। कोलेटरल माने कुछ गिरवी रखना पड़ता है, कोई सिक्योरिटी आपको शो करनी पड़ती है, आपके पास लैंड है, बिल्डिंग हो सकती है, ज्वेलरी, कोई भी अदर सिक्योरिटी हो सकती है। आप उसका पेपर उनके पास रखेंगे, उसके बदले में आपको लोन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कोलेटरल। अगर आपका कोलेटरल मान लीजिए 10 लाख का है, मतलब आपकी जो लैंड है वो 10 लाख रुपए की है, और आप बैंक के पास जाओ और लोन आप 10 लाख का मांगो, क्या वो आपको 10 लाख की जमीन के बदले 10 लाख का लोन दे देंगे? कभी भी नहीं देंगे। ठीक है बात। और क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनको थोड़ा सा मार्जिन रखना है। कल को आपने तो उनसे लोन ले लिया 10 लाख की लैंड के पीछे, 10 लाख का लोन लेके आप चले गए। बाद में अगर आप लोन रीपे ना करो, हो सकता है ना कि फ्रॉड केसेस भी तो होते हैं, तो वो 10 लाख के पीछे, 10 लाख की लैंड के पीछे आपको 10 लाख का लोन नहीं देंगे, वो आपको 8 लाख का लोन देंगे। 2 लाख रुपया उनका होता है मार्जिन। ये एक रूल बनाया हुआ है सेंट्रल बैंक ने। देखिए, अगर कोलेटरल 10 लाख का है, बैंक आपको 8 लाख का लोन देता है, इसका मतलब उसका मार्जिन कितना है? 2 लाख, जो कि बन गया 20%। अगर आपका कोलेटरल, अगर आपकी जमीन गिरवी जो रखने जा रहे हो वो 10 लाख की है, और मान लो कि बैंक आपको 6 लाख का लोन दे रहा है, इसका मतलब 4 लाख उसका मार्जिन है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक कितनी बन गई? 40%। तो ये बैंक ने देखना है कि वो कितना अपना मार्जिन रिक्वायरमेंट रखता है। आपका केस स्टडी किया जाएगा, दैट डिपेंड्स। हर पर्सन का अपना अपना होता है, हर बैंक का अपना होता है। एक केस के लिए वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि भैया आपके केस में मेरी मार्जिन मनी इतनी है। होता ये है कि किस चीज के लिए मैं लोन ले रही हूँ। मैं एक बिजनेस वेंचर के लिए लोन ले रही हूँ, वो बिजनेस वेंचर उनको क्या दिख रहा है? उसमें उनको मेरा प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो मार्जिन मनी उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या हुई? डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब आपकी लैंड जो आप गिरवी रखने जा रहे हो, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, माइनस मैक्सिमम लोन वैल्यू। अगर आपकी लैंड की कीमत 10 लाख रुपया है, तो उसके बदले में मैक्सिमम आपको लोन दिया जा रहा है 8 लाख रुपए का, तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट 2 लाख रुपया बन जाती है। ठीक, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 80% है, इट वुड अलाउ बोरोइंग ऑफ ओनली 20% ऑफ द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। इसका मतलब अगर आप लोन लेने जाते हो और आपके केस में 80% वो मार्जिन रिक्वायरमेंट कोट कर रहा है बैंक, इसका मतलब आपको 20% का लोन मिलेगा। 20% ऑफ द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी जो गिरवी रखने जा रहे हो, उसका 20% आपको लोन मिलेगा। 80% उसने अपना मार्जिन रख लिया। अगर बैंक ने 100% मार्जिन रखा है आपके केस में, तो इसका मतलब जो लोन लेने गया है उसको सारा पैसा कैश में ही देना पड़ेगा। तो जितनी मार्जिन उसने रखनी है बैंक में, उतनी रख लेनी है, बाकी के माइनस करके आपको उतने अमाउंट का लोन मिल जाएगा। ये होता है मार्जिन मनी। देखो, एन इंक्रीज इन द मार्जिनल रिक्वायरमेंट विल रिड्यूस द अमाउंट दैट कैन बी बोरोड फॉर द परचेज ऑफ अ सिक्योरिटी। अगर बैंक अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देता है, मतलब बढ़ा देता है, 20% के बदले 40% कर देता है, उसका मतलब है कि लोन अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा। जैसे जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, लोन कम मिलेगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगी तो लोन ज्यादा मिलेगा। देखो, इफ द सेंट्रल बैंक वॉन्ट्स टू डिस्करेज द इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, अलग अलग सेक्टर होते हैं ना, अलग अलग
फार्मा इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, एजुकेशन सेक्टर है, हर चीज का अपना सेक्टर है। उस सेक्टर को अगर वो पसंद नहीं करता या वो ये चाहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कहती है कि इस सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए हमारे देश में, तो वो क्या करेगा, वो उसकी मार्जिन मनी बढ़ा देगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनो। इफ द सेंट्रल बैंक वॉन्ट्स टू डिस्करेज द इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, मान लो कोई एक सेक्टर है, मान लीजिए होटल सेक्टर है, उसमें बैंक चाह रहा है कि नहीं इसमें इन्वेस्टमेंट ना हो, तो वो क्या करेगा, वॉन्ट्स टू रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट इन प्राइमरी सेक्टर। अगर प्राइमरी सेक्टर में वो अपनी इन्वेस्टमेंट कम करना चाहता है तो वो क्या करेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर विल बी इंक्रीज्ड, वो मार्जिन मनी को बढ़ा देगा। तो किसी भी सेक्टर में अगर उसने इन्वेस्टमेंट कम करनी है, भले वो कोई भी सेक्टर हो, तो उस सेक्टर की मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाएगी। तो ये जो मैजिक वैंड है ये आरबीआई के पास है, वो जिधर चाहे पैसे को घुमा सकता है, वो जिधर चाहे इन्वेस्टमेंट को डाइवर्ट, डाइवर्ट माने इस डायरेक्शन में ना भेज के दूसरे डायरेक्शन में भेज सकता है। वो वहां पर ये देख रहा है कि हमारी कंट्री के लिए इस मोमेंट पर इस वाले सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जरूरी है वो उस सेक्टर में मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देगा। जब मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी तो उस सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। प्रीवियसली फॉर द सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ 1 लाख, मान लीजिए लोन 80,000 का मिल रहा था, 1 लाख आप लैंड गिरवी रखो तो 80,000 का लैंड, 80,000 का लोन मिल जाता था, इसका मतलब मार्जिन मनी 20% रखा गया था। अब उसने क्या किया, 1 लाख की जमीन गिरवी रखने पर 60,000 का लोन दे रहा है वो, इसका मतलब उसने मार्जिन मनी अपनी इंक्रीज कर दी 40% में। तो जब तुम लोन लेने जाओ और तुमको 1 लाख की लैंड के पीछे 80,000 का लोन मिले तो तुम खुश हो जाओगे कि ठीक है भैया ले लेते हैं। उसके बदले में अगर तुम 1 लाख की सिक्योरिटी पे लैंड गिरवी रखने जाओ और तुमको लोन मिल रहा है 60,000 का, तो तुम बोलोगे अरे ये तो कुछ ज्यादा अच्छा बात नहीं है, तो तुम लोन नहीं लोगे, तुम घर वापस आ जाओगे, अरे भैया छोड़ो हमको नहीं रखनी लैंड गिरवी। क्यों ऐसा किया, उसने मार्जिन मनी बढ़ाई, तुमको लोन कम मिला, तो तुम वो इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। तो तुम्हारी ये इन्वेस्टमेंट फोर्स्ड मनाही हुई, क्यों हुई, क्योंकि आरबीआई ने ये चाहा था, आरबीआई चाहता था कि इस वाले सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ना हो, तो जानबूझ के देखो उसने क्या किया, मार्जिन मनी बढ़ा दी। इन दिस वे रिजर्व बैंक शिफ्ट्स द फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन सेक्टर टू दी अदर सेक्टर। अब उसको अगर उसका दिल कर रहा है कि फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो, तो वो क्या करेगा, फार्मा सेक्टर की मार्जिन मनी कम कर देगा, तो लोग वहां खुशी खुशी इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोन लेंगे और उस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो जादू की छड़ी आरबीआई चलाता है जिधर उसका मन होता है, ऐसा नहीं है कि वो एक दिन सो के उठा और उसको ये सेक्टर पसंद आ गया और सो के उठा तो दूसरा सेक्टर पसंद आ गया, नहीं। ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, वहां पर बहुत समझदार इकोनॉमिस्ट बैठे हैं जो हमारी इकोनॉमिक डायरेक्शन को फ्रेम कर रहे हैं कि इस समय पर, इस मोमेंट पर किस वाले सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे देश के हित में है, हमारे देश का फायदा करेगी, वो सारा का सारा उधर की तरफ डायरेक्ट कर दिया जाता है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गई, पीपल डिस्करेज हो गए लोन लेने के लिए, लोगों को उत्साहता कम हो गई क्योंकि उनको थोड़ा लोन मिल रहा है उसी लैंड के बदले में, इसलिए अपने आप इन्वेस्टमेंट कम हो गई। If the central bank wants to increase the funding of the industrial sector, मान लीजिए उसको चाहिए कि industries में ज़्यादा invest हो हमारे देश का, तो भला है, तो वो क्या करेगा? उसका उलट हो जाएगा, margin money reduce कर दी जाएगी। पहले 1 लाख जमीन गिरवी रखने पर लोन मिलता था 40,000, यानी कि margin requirement थी 60%। अब उसी 1 लाख जमीन गिरवी रखने पर लोन मिलेगा 60,000, इसका मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दी गई 40% पर। तो जब मार्जिन मनी रिड्यूस कर दी गई तो लोगों को एनकरेज किया गया लोन लेने के लिए, लोग ज्यादा खुशी खुशी लोन लेंगे ना, तो उससे क्या होगा, मोर इन्वेस्टमेंट होगी। तो आई रिपीट कि जब आरबीआई का दिल चाहता है कि इस वाले इन सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, उस वाले पर्टिकुलर सेक्टर की मार्जिन मनी रिड्यूस कर दी जाती है, तो लोग खुशी खुशी लोन लेते हैं, लोगों में जागरूकता उठती है कि भैया मजे से लोन मिल रहा है, लो ले लेते हैं, लोन लेके उसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जाती है और हमारे देश का भला किया जाता है। तो ये है जी मार्जिन रिक्वायरमेंट, जो कि आरबीआई उसको डायरेक्शन देकर जिधर चाहे उधर फंड्स डाइवर्ट करता है, इस सेक्टर में नहीं करवाने, उस सेक्टर में करवाने, उस सेक्टर में नहीं करवाने, इस सेक्टर में करवाने, तो वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट उसी सेक्टर की तरफ बढ़ जाती है। अच्छा जी, अब मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के एडवांटेजेस क्या हैं? इट कंट्रोल्स द क्रेडिट इन स्पेकुलेटिव एरियाज। ठीक है, स्पेकुलेटिव एरियाज वो एरियाज होते हैं जहां पर
देखिए फायदे की उम्मीद तो होती है लेकिन खोने का रिस्क ज्यादा होता है। जैसे कि बेटिंग शेटिंग हो गया, उसमें मन तो ललचाता है कि अरे भैया अगर जीत जाएंगे तो फटाफट इतने पैसे आ जाएंगे, लेकिन उसका उल्टा सोचो, लेकिन अगर हार गए तो सब कुछ गया, है ना। उसके बदले में अगर आप फैक्ट्री लगाते हो तो हो सकता है प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ेगी, सेल धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन एकदम से कुछ खोगे तो नहीं ना। तो वो होता है प्रोडक्टिव सेक्टर, ये होता है, ये जो बेटिंग वेटिंग होता है ना, ये होता है स्पेकुलेटिव एरियाज। तो आरबीआई स्पेकुलेटिव एरियाज में लोन नहीं देता, स्पेकुलेटिव एरियाज में लोग ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, इसलिए मार्जिन रिक्वायरमेंट हेल्प करता है। वो देखो एक बात होती है कि आपने एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया कि इन्वेस्टमेंट ही खत्म कर दी देश में, है ना, कि किसी को भी नहीं मिलेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट सबकी बढ़ा दी, ऐसा नहीं होता। मार्जिन रिक्वायरमेंट का ये फायदा है कि कहीं पे ज्यादा कर लो कहीं पे कम कर लो, जहां पर तुमने बढ़ावा देना है उस वाली कैटेगरी को उसमें तुम मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दो। तो वो क्या कहते हैं कि डज नॉट अफेक्ट द इनफ्लो ऑफ क्रेडिट इन द प्रोडक्टिव एरियाज। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का ये बहुत बड़ा फायदा है कि स्पेकुलेटिव एरियाज पे रोक लगाई जाती है क्योंकि वहां मार्जिन मनी बढ़ा दी, उसके साथ साथ जो प्रोडक्टिव एरियाज हैं उनको अफेक्ट नहीं किया जाता, उनके लिए मार्जिन मनी कम रखी गई है। तो जो फायदे वाली चीजें हमारे देश के लिए उनके लिए अलग से मार्जिन मनी का रोल है और उधर वाले में दूसरा रोल है। तो स्पेकुलेटिव एरियाज के ऊपर बैन लगाने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। इफ द सेंट्रल बैंक फील्स दैट द स्पेकुलेटिव एरियाज आर राइजिंग, इट शैल इंक्रीज द मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरोइंग, दिस डिस्करेजेस। तो अगर आरबीआई को ये लगता है कि ये स्पेकुलेटिव एरियाज, ये शर्तें वर्ते वाले जो काम है जिनमें रिस्क ज्यादा है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उस वाली कैटेगरी को मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाती है, जिससे क्या होता है उस तरफ फ्लो ऑफ फंड नहीं जाएगा क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो जो भी हमारे देश के अनवांटेड एरियाज हैं उनके ऊपर रोक लगाने के लिए आरबीआई के पास ये बहुत बड़ी अच्छी टेक्निक है। आगे कहते हैं जी वो इन्फ्लेशन में भी बहुत काम आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। कैसे आता है? जब भी इन्फ्लेशन होता है आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देती है। देखिए इन्फ्लेशन होता कब है? जब लोगों की पॉकेट्स में बहुत सारा पैसा होता है, तो उस फंड को कंट्रोल करना है कि और ना आ जाए लोगों के पास पैसा, और पैसा आएगा तो महंगाई और भी बढ़ जाएगी। उस महंगाई को रोक लगाने के लिए इनफ्लो ऑफ फंड जो है लोगों के पास और इन्वेस्टमेंट ना हो, इसलिए कंट्रोल करना पड़ता है इन्फ्लेशन को। वो क्या करता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है। जब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी लोगों को कम लोन मिलेगा, जब कम लोन मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, लेस मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, है ना, तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। डिफ्लेशन में भी मार्जिनल रिक्वायरमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। वो कैसे? जब भी डिफ्लेशन होती है तो तब क्या सिचुएशन होती है? लोगों के पास पैसा ही नहीं होता, लोगों इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती कंट्री में। डिफ्लेशन के समय कंट्री को एक बूस्टर चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट का, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर इन्वेस्ट करें। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो डिफ्लेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए क्या करता है आरबीआई? मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। जब मार्जिनल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी लोगों को आसानी से लोन मिलने लग जाएगा, लोग और मोटिवेट होंगे, इन्वेस्टमेंट होएगी, लोन मिलेगा, इन्वेस्टमेंट होएगी, देश का भला होगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, डिफ्लेशन अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम करने से मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और डिफ्लेशन कंट्रोल हो गई। ठीक है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑल्सो डाइवर्ट्स द क्रेडिट टू प्रोडक्टिव एरियाज। देखिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिधर आरबीआई चाहे वो चाहेगा ही देश का हित, जिधर देश के हित में जो सेक्टर है फंड उसकी तरफ अपने आप जाने लग जाते हैं और ऑटोमेटिकली अनवांटेड एरियाज जो हैं वहां से फंड कम कर दिया जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट की मदद से। उसके अलावा मार्जिन रिक्वायरमेंट रिड्यूसेस द फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। जो हमारी सिक्योरिटीज अप डाउन जाती हैं उनके रेट इतने फ्लक्चुएट होते हैं उसमें भी मार्जिन रिक्वायरमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। तो हमने देखा कि मार्जिन रिक्वायरमेंट इज अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, आपको अच्छे से समझाया है, और इसको एडमिनिस्टर करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो ये आरबीआई के लिए बहुत फायदेमंद की चीज होती है। चलिए अब हम ये बात करेंगे कि अगर अगर बैंक्स मार्जिन रिक्वायरमेंट रखेंगे ही नहीं, मान लो मैं लोन लेने जाती हूँ और वो कोई कोलेटरल ही नहीं रखते हैं, मुझे लोन दे दिया जाता है, ठीक है, आप भी लोन लेने गए आपको भी लोन दे दिया गया, तो क्या? तो सबके सब फ्रॉड ही करने लग जाएंगे ना बैंक्स के साथ, तो बैंक्स कैसे सरवाइव करेंगे, उनका क्या होगा? वो तो सारे के सारे दिवालिया इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। अगर वो एक अप्रोप्रिएट मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं रखते हैं बैंक्स, तो वो सब इंसॉल्वेंट हो जाएंगे क्योंकि लोग तो रीपे ही नहीं करेंगे ना लोन को। अभी मेरी लैंड गिरवी पड़ी है तो मेरे दिमाग में ये खटकेगा कि भैया मैंने किश्तें
बैंक की वापस करनी है, तभी मुझे मेरी जमीन जो है वो फ्री होके मिलेगी। अगर कुछ रखेंगे ही नहीं वो, तो किसने देना? किसी ने भी नहीं देना। रीपेमेंट ऑफ लोन हो गई नहीं, बैंक अपना सर्वाइवल कैसे करेगा, अपने खर्चे कैसे निकालेगा? देखिए 2008 में लेमन ब्रदर्स की एग्जाम्पल आपको मालूम होगी, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक था, उस वो दिवालिया हो गया, वो बहुत बड़ी बैंकरप्सी कहलाती है। ऐसा ही इंडिया में भी हुआ था, जब बैंक्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जब वो अनरिस्ट्रिक्टेड लोन, अरे ब्लाइंड फोनली लोन ही लोन दे ही जाओ, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या वगैरह को कोलेटरल रखा नहीं, मार्जिन रिक्वायरमेंट रखी नहीं, तो बैंक का दिवाला होना 100% गारंटी की बात है। तो बैंक को भी अपने सर्वाइवल के लिए ये जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट रखना पड़ता है, अप्रोप्रिएट रखना पड़ता है। हर हर लोन केस को प्रॉपर स्टडी किया जाना चाहिए, उसकी प्रोज एंड कॉन्स देखनी चाहिए, उसके बाद ही मार्जिन रिक्वायरमेंट सेटल की जानी चाहिए। चलिए दूसरा आता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशन का मतलब क्या रहता है? राशन होता है फिक्स अ लिमिट, एक लिमिट सेट कर देना। क्रेडिट माने लोन, तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? देखिए आपने सुना होगा कि आपको सरकारी डिपो से राशन जो है वो घर घर को मिलता है, ठीक है? राशन तो वही होता है, वही चावल एक घर को भी मिलेंगे, दूसरे घर को भी मिलेंगे, लेकिन जो बिलो द पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं उनको वही चावल 2 रुपए किलो मिलता है, और जो थोड़े से अबव द पॉवर्टी लाइन है उनको वही चावल 8 रुपए किलो मिलता है। तो ये क्या है? ये राशनिंग है, ये लिमिट फिक्सेशन ही तो है कि एक घर को इतना देना है और दूसरे घर को उसकी कंडीशंस देखकर इतने रुपए देना है। उसी तरह से जैसे ये राशनिंग चावलों की आपको समझाई, उसी तरह से कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के कहने पर क्रेडिट को भी राशन में देते हैं, लिमिट फिक्स करके देते हैं। ये जो क्रेडिट राशनिंग है ये एक बहुत सिलेक्टिव मेथड है टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द पर्पस फॉर विच द क्रेडिट इज ग्रांटेड बाय द कमर्शियल बैंक। उस पर्पस को देखा जाता है, किस लिए लोन ले रहे हो आप, है ना? आपकी क्या प्रेजेंट कंडीशन है और किस पर्पस के लिए आप लोन ले रहे हो। आरबीआई एम्स टू लिमिट द मैक्सिमम लोन्स एंड एडवांसेस टू द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक की लिमिट लगा दी जाती है, फिक्स कर दी जाती है कि भैया इतने तक का लोन आप दे सकते हो। उसके अलावा सीलिंग फिक्स की जाती है स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। देखिए फार्मा सेक्टर को देना है कितना लोन कि नहीं देना है, ठीक है? तो एजुकेशन सेक्टर को कितना देना है, होटल इंडस्ट्री को कितना देना है, इस तरह से जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके लिए अलग अलग सीलिंग, सीलिंग माने लिमिट, मतलब एक लिमिट फिक्स कर दी गई कि इतना आपने देना है कि नहीं देना। तो दो काम हो गए हमारे, मैक्सिमम लोन और एडवांस देने कितने हैं कमर्शियल बैंक ने, और उसमें स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए जो है वो सीलिंग लगा दी जाती है। ये केस है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का। प्रायोरिटी मतलब देखिए आप एक कॉलेज में पढ़ते हो तो वहां पर कोई टीचर को कोई स्टूडेंट फेवरेबल लगता है, कोई बहुत सुपर इंटेलिजेंट है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है कि भैया हाँ तुम ठीक हो। उसी तरह से आरबीआई के भी प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं, इसमें पर्सनल इशू नहीं होता, देश का हित ही इशू होता है कि अभी के डेट में एजुकेशन सेक्टर के ऊपर ज्यादा पैसा लग जाना चाहिए। तो कितना लोन एजुकेशन सेक्टर को देना है ये वो डिसाइड कर लेंगे, कितने ब्याज लेना है उसके ऊपर, अगर आप उस सेक्टर को बढ़ावा देना चाह रही है आरबीआई तो कम ब्याज पे दे दो ना, लोन दे दो आप, ब्याज भी कम लो, कितनी सब्सिडी देनी है उस सेक्टर को, ठीक है? तो टोटल लेंडिंग कितनी करनी है हर सेक्टर को, कितने बढ़ानी है और टोटल लेंडिंग कितनी कम करनी है, ये सब बातें हो गई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की। वो ये ध्यान देंगे कि हमने होटल इंडस्ट्री को ज्यादा बढ़ाना है तो होटल इंडस्ट्री को लोन देना आसान कर दिया जाएगा, उनकी वो राशन, जैसे राशन दिया जाता है ना थोड़ा सा मुफ्त में दे दिया, सरकार ने खुद बियर कर लिया, उसी तरह से उनको लोन भी आसानी से सुविधा से दे दो, उनको ब्याज भी कम दे दो, उनको सब्सिडी भी ज्यादा कर दो। कितना देना है कितना कम करना है ये सब पहले डिसाइड करता है आरबीआई, और उसकी डायरेक्शन के ऊपर ही कमर्शियल बैंक जो है वो काम करते हैं। तो इस लाइन को बोला जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट में किन्हीं सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है, किन्हीं सेक्टर्स को बढ़ावा दिया जाता है कि इन वाले सेक्टर्स में अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो वो हमारे देश के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए अच्छा होगा, और इस हिसाब से काम किया जाता है। तो राशनिंग में ये दो बातें भी होती हैं कि आरबीआई रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटीज एक पर्टिकुलर बैंक की फिक्स कर देता है ना? हर कमर्शियल बैंक
बैंक ऊपर कौन बैठा है? आरबीआई। तो उसकी जो री डिस्काउंटिंग वाली फैसिलिटीज हैं, जो वो चार्जेस हैं, उसके ऊपर लिमिट लगाई जाती है। और आरबीआई में फिक्स द मैक्सिमम रेशियो रिगार्डिंग द कैपिटल ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू इट्स टोटल एसेट्स। रेशियो किस बात की? कितना कैपिटल है और कितने उसके एसेट हैं, माने कितना वो लोन दे सकता है, कितने ब्याज पे उसके एसेट्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, ये सारी राशनिंग कर दी जाती है, सीलिंग फिक्स कर दी जाती है। इस तरह से आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के द्वारा क्रेडिट की राशनिंग करवाता है, लोन की लिमिट लगाता है, किस सेक्टर को कितना देना है वो उसकी मर्जी के ऊपर ही कमर्शियल बैंक काम करता है। देखिए, राशन का मतलब है फिक्स्ड क्रेडिट कोटा फॉर ईच सेक्टर, है ना। हमने आपको बताया कि मान लीजिए अब टर्शरी सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में ज्यादा बढ़ावा देना है, तो उसके कोटा फिक्स कर दो कि इतना क्रेडिट तो देना ही देना है इस वाले सेक्टर को, तभी वो सेक्टर की बढ़ावा मिलेगा, है ना। स्पेशली इंपॉर्टेंट व्हेन द फ्लो ऑफ क्रेडिट हैज टू बी चेक्ड फॉर द स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज इन द कंट्री। स्पेकुलेशन हमने आपको बताया, जैसे ये बेटिंग का काम होता है जिसमें खोने का डर ज्यादा होता है, नो डाउट थोड़ा मन में हलचल होती है कि अरे जीत जाएंगे तो इतना पैसा एकदम आ जाएगा, लेकिन खोने का डर भी तो है। आरबीआई को वो चीजें भी तो देखनी है, जाएगा तो फिर सारा 1 सेकंड में, आप कितने ज्यादा हाई रिस्क पे हो। तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज के क्रेडिट को कम करने के लिए उनके ऊपर रोक लगाई जाती है, और बाकी जो सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर प्रायोरिटी, जिनके ऊपर जिनको हमने बढ़ावा देना है आरबीआई ने, उनके क्रेडिट कोटा फिक्स कर दिया जाता है। कमर्शियल बैंक्स को निर्देश दिए जाते हैं कि इस वाले सेक्टर को इतना तो तुमने देना ही देना है। राशनिंग रिस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू अनडिजायरेबल सेक्टर्स एंड इंक्रीजेस द फ्लो टू डिजायरेबल सेक्टर्स। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट से कमर्शियल बैंक जो अनडिजायरेबल, जिन जो नहीं चाहती आरबीआई की ये वाले सेक्टर हमारे देश में बढ़े, वो अनडिजायरेबल सेक्टर्स को क्रेडिट कम करने में बहुत हेल्प मिलती है, और जो डिजायरेबल सेक्टर्स हैं, जो प्रायोरिटी जिनको देनी है, जो हम चाहते हैं कि ये सेक्टर हमारे देश में बढ़े, उस वाले सेक्टर को ज्यादा क्रेडिट मिलता है। तो ये राशनिंग ऑफ क्रेडिट करके हम पैसा यहाँ से निकालते हैं और यहाँ पर आसानी से डाल दिया जाता है। फोकस ऑफ आरबीआई प्रायोरिटी सेक्टर्स, अब बैंकिंग को देना है, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को देना है, इस तरह से प्रायोरिटी सेक्टर जो है उसके ऊपर फोकस कर दिया जाता है। विच में बी वीकर बट इसेंशियल, है ना। देखो नेक्स्ट लाइन में वो कह रहे हैं कि जॉइंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रैब द लार्जर चंक ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। अब ये जो अडानी वगैरह है, ये तो बड़ी आसानी से इनको लोन मिल जाते हैं, है ना। तो ऐसा ना ना हो कि जितना भी हमारा क्रेडिट है, जितना भी उधारी है, वो सारा का सारा इनके पल्ले ही चला जाए, तो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले हैं ये कहाँ जाएंगे। इसलिए कोटा फिक्स किया जाता है कि इतना जो क्रेडिट है वो आपने स्मॉल स्केल वालों को देना है, ताकि आम मिडिल क्लास लोग भी आगे बढ़ सकें और इन्वेस्टमेंट करके मुनाफा कमा सकें। ऐसा ना हो कि ये जो बिग बिजनेस जायंट्स हैं वो ही सारा का सारा पैसा खा जाए हमारे देश का, ठीक है ना। और ये वीकर बट इसेंशियल सेक्टर्स, एजुकेशन सेक्टर हो गया मान लो, उसमें आपको एकदम से तो प्रॉफिट नहीं आता ना, स्कूल चलाने में बहुत ज्यादा मेहनत करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, तो लेकिन उसको भी हमने नजरअंदाज नहीं करना ना आरबीआई ने, उसको भी क्रेडिट मिले, उसको भी लोन मिले, ताकि उधर वाले क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट हो और बढ़ावा हो। आगे बढ़िए, मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन माने क्या होता है? देखिए मान लीजिए कभी कभी पेरेंट्स जो हैं वो हमें डराते हैं किसी काम के लिए, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, कभी कभी वो हमें एक इशारे से ही समझा देते हैं, कभी वो हमें डरा के समझाते हैं, तो वो मॉरली हमें मोल्ड करते हैं, मॉरली ही हमें समझा देते हैं कि बेटा ये गलत बात बोल दिया आपने। किसी का डर इतना होता है तो वो जो प्रेशर डालना है वो चांटा मारकर ही पेरेंट्स आपको समझाते नहीं है, कभी कभी मॉरली भी इशारे से उस तरह से भी आपको बेटर सिटीजन्स बनाते हैं। उसी तरह से जो आरबीआई है, इसका काम है कमर्शियल बैंक्स को एडवाइस करना, रिक्वेस्ट करना और प्रेशर डालना, पर्सुएट भी करता है। एक तो सलाह देता है कि देखो कमर्शियल बैंक्स इस तरह से नहीं करो, इस तरह से करो, उसके बाद वो रिक्वेस्ट भी करता है कि आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपने क्रेडिट को इस तरह से आगे चलाइए। तो कमर्शियल बैंक्स को बोला जाता है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए पूरा पूरा अपना कोऑपरेशन जो है वो आरबीआई को दे, और आरबीआई के कथनानुसार ही सारा का सारा काम होना चाहिए। मॉरल सुएशन में एडवाइजेस माने सलाह, रिक्वेस्ट और परसुएशन और प्रेशर, विनती भी होती है, रिक्वेस्ट भी होती है और प्रेशर भी डाला जाता है, मॉरल इन्फ्लुएंस जिसको बोला जाता है। आरबीआई में रिक्वेस्ट द कमर्शियल बैंक नॉट टू ग्रांट लोन्स टू स्पेकुलेटिव पर्पसेस, इस तरह की डायरेक्शंस इशू कर दी जाती हैं कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो ये जो बेटिंग वेटिंग हमने आपको बताया उसमें जो है लोन ना दिया जाए। वो उसके बाद उसको प्रेशर भी डाल सकता है
कमर्शियल बैंक्स को कि आप उनको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए उनके पास मत आए जब कमर्शियल बैंक इन वाले अनडिजायरेबल सेक्टर को लोन दें, तो इसके मुतल्लिक इसके बारे में हमारे से आप लोन नहीं लेंगे, क्योंकि अगर कमर्शियल बैंक्स को और पैसा चाहिए तो वो आरबीआई के पास जाएगा, तो आरबीआई ये फोर्स कर सकता है कि इन वाले सेक्टर्स को आप मेरे से पैसा मांगने मत आइए। देखिए, प्रेशर इज एग्जर्टेड ऑन द बैंक्स टू फ्लो द डायरेक्टिव, जो भी ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह जारी की जाती हैं, प्रेशर डाला जाता है कमर्शियल बैंक के कि आपको ये मानना ही है। देखिए, सीनियर की बात तो आपको माननी पड़ेगी ना, भले आप स्कूल में हो आपको टीचर की माननी पड़ती है, अगर आप जॉब में हो तो आपको सीनियर की माननी पड़ती है हर सबॉर्डिनेट को। जनरली दीज आर नॉट इग्नोर्ड बाय द मेंबर बैंक्स, तो ये जो हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं इसको नजरअंदाज नहीं करते हैं इन डायरेक्शंस को। इंस्ट्रक्शंस आर डायरेक्टेड बाय द अपर अथॉरिटी, ऑब्वियसली दिस इज अ साइकोलॉजिकल मेथड, इफेक्टिवनेस डिपेंड्स अपॉन द इमीडिएट एंड फेवरेबल रिस्पॉन्स। देखिए, ये एक साइकोलॉजिकली आपको ट्यून किया जाता है, जैसे आपके पेरेंट्स आपको साइकोलॉजिकली समझाते हैं बेटा ये नैतिकता के तौर पर ये बातें गलत है, और नैतिकता के तौर पर ईमानदार ही बनना बच्चे, तो आपको अच्छे सिटीजन बनने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इस तरह की नैतिक बातें भी जो है आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के ऊपर एनफोर्स करता है, और उनकी साइकोलॉजिकली उनको विनती करके, रिक्वेस्ट करके, डायरेक्शंस देके, फिर ना माने तो प्रेशर डालकर अपनी बातें मनवाता है। तो ये मॉरल सिचुएशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर में आता है, जो कि आरबीआई मनवाता है, मॉरली उनको इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा, अगला आता है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। देखिए, कंज्यूमर क्रेडिट का माने क्या होता है, मान लीजिए आपको एक वॉशिंग मशीन खरीदनी है, ठीक है, वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए आप शॉपकीपर के पास जाते हो, 20,000 की वॉशिंग मशीन है, तो वो क्या कहता है कि आप 5,000 रुपए भर दो, बाकी के 15,000 आप 3 इंस्टॉलमेंट्स में हर महीने किश्तों में आप मुझे पे कर देना, उसको बोलते हैं कंज्यूमर क्रेडिट। ठीक है, तो इस कंज्यूमर क्रेडिट को भी आरबीआई है वो रेगुलेट करता है, मैनिपुलेट करता है। कैसे करता है, वो अपनी टर्म्स और कंडीशंस लगाता है। मान लीजिए आरबीआई को ये पसंद आती है बात कि हर घर में वॉशिंग मशीन होनी चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो कहेगा कि वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए जो आपको अर्नेस्ट मनी, जो आपको उसी समय पैसा देना है ना, जैसे मैंने बोला 5,000, वो कहेगा 2,000, कोई भी आए 2,000 रुपया कैश दे और वॉशिंग मशीन ले जाए, बाकी बचे 18,000 वो दो हजार की किश्त में 9 महीने तक वो देता रहेगा। तो ये उसने क्या किया, टर्म्स एंड कंडीशंस ईज कर दिए, पहले वो 5,000 मांग रहा था, अब वो 2,000 रुपया मांग रहा है, तो आरबीआई को ये पसंद आनी चाहिए बात कि ये चीज घर घर में होनी चाहिए, तो उसके लिए उस क्रेडिट को मैनिपुलेट वो कर देती है, उसके लिए वो आसान बना देती है। देखो, आज की डेट में आपको माइक्रोवेव चाहिए, आपको किश्तों में मिल जाता है, आपको कुछ भी चाहिए, पहले होता था सिर्फ घर होम लोन के लिए मिलता था, गाड़ी के लिए लोन मिलता था, अब तो आपको कुछ भी, आपको अलमारी भी खरीदनी है ना अगर, तो वो भी आपको किश्तों में मिल जाती है। ठीक है जी, उसके लिए नो डाउट आपको अपनी बैंक डिटेल्स तो देनी पड़ती है। तो हमारे कहने के मुद्दे के मुताबिक क्या है कि जो आरबीआई है वो ये जो किश्तों में सामान मिलता है इसके थ्रू कंज्यूमर क्रेडिट को वो अपने हाथ में रखता है और उस चीज को घुमा देता है। देखिए, रीपेएबल इन इंस्टॉलमेंट, तो किश्तों पर ही वो सारा पैसा आपने वापस करना है, फॉर परचेजिंग द ड्यूरेबल गुड्स, आप कुछ भी खरीद रहे हो अगर आपने किश्तों पे खरीदा है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस तो लगती है ना, इतना ब्याज लगेगा, इतने महीने में आपको किश्तें देनी पड़ेंगी, तो ये होते हैं उसके टर्म्स एंड कंडीशंस। एज पर द कंज्यूमर क्रेडिट सिस्टम, एक सर्टन फिक्स्ड प्राइस तो आपको कैश में देना पड़ता है जब आप सामान लेने जाओगे, तो उतने आप टीवी लेने जाते हो, टीवी आता है 50,000 रुपए का, तो वो कहेंगे 10,000 रुपए आप अभी की अभी दे दो, बाकी का किश्तों में दे देना, तो वो क्या हुआ, कैश पेमेंट। बैलेंस इज फाइनेंस्ड बाय द बैंक क्रेडिट विच द कंज्यूमर पेज इन इंस्टॉलमेंट, तो बाकी का फाइनेंस बैंक ने करना है, आप बैंक की अपनी पासबुक उनके पास दिखाइए और हर महीने जो है वो शॉपकीपर आपके बैंक से इतने पैसे निकाल लेगा। अब सेंट्रल बैंक इस कंज्यूमर क्रेडिट को भी कंट्रोल करता है, कैसे, बाय चेंजिंग द अमाउंट दैट कैन बी बोरोड फॉर द परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, तो ये जो आपने खरीदारी करनी है उसके लिए आपको इनिशियली कितने पैसे देने हैं ये कौन डिसाइड करता है, आरबीआई। चेंजिंग द मैक्सिमम पीरियड ओवर विच द इंस्टॉलमेंट्स कैन बी एक्सटेंडेड, कभी वो कहता है कि नहीं भैया 2 ही महीने में किश्त वापस करनी पड़ेगी, और कभी वो कहता है ठीक है जी आप 10 किश्तों में मुझे पैसे वापस कर देना, तो ये किसका किया धरा है, ये आरबीआई की डायरेक्शंस का किया धरा है। तो आरबीआई क्या करता है कि जो सामान उसको घर घर में, उसको लगता है कि ये सामान मेरे आम नागरिक के घर में पहुंचे या ये जरूरत की चीज है, ये जरूर होनी चाहिए, उसके लिए वो कंज्यूमर क्रेडिट आसान कर देगा, पहले वाली इंस्टॉलमेंट कैश की भी कम हो जाएगी और वो जो किश्तें हैं उसका पीरियड भी वो लंबा खींच देगा ताकि हर घर में ये सामान रहे।
और अगर उसको ऐसा लगता है कि ये सामान हर घर में होना जरूरी नहीं है, ये तो फैलसूफी है, ये तो लग्जरी है, उसके लिए वो कंडीशन टफ कर देगा, डेफिनेटली टफ कर देगा। वो क्या कहेगा कि जी पहले पैसे भी ज्यादा लेके आओ और किस्तें भी ज्यादा मैं बढ़ाऊंगा नहीं, इतने टाइम पीरियड में आपको देनी पड़ेगी। जब आपको डिफिकल्ट लोन, डिफिकल्ट क्रेडिट मिलेगा तो आप वो चीज, आम नागरिक वो चीज नहीं खरीदेगा। तो ये बैठे बैठे आरबीआई अपने आप ये मैनिपुलेशन करता है और कंज्यूमर क्रेडिट को अपने हाथ में रखता है। जरूरत की चीजों के लिए कंज्यूमर क्रेडिट आसान कर दिया जाता है, और महंगी चीजों के लिए जो लग्जरी आइटम्स आती हैं उनके लिए तो फिर आपको ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिए उसका क्रेडिट जो है वो मुश्किल कर दिया जाता है। The method checks the excessive demand for the consumer durable goods. This method controls the prices of consumer durables. देखिए ड्यूरेबिलिटी होती है ना, ड्यूरेबिलिटी माने जो चीज ज्यादा चले। आप अगर आप माइक्रोवेव लेते हो तो वो 10-15 साल तो है ना आपके घर में, आप फ्रिज खरीदते हो तो इट इज देयर इन योर हाउस फॉर 15 इयर्स, राइट। तो इस तरह की चीजों की प्राइसेस को जो है वो आरबीआई मैनिपुलेट करता है, उनके किश्तों की ध्यान रखता है। इट कंट्रोल्स द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स इन डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज में ये जो कंज्यूमर क्रेडिट है ये ज्यादा पॉपुलर है, वहां पर हर कोई हर ड्यूरेबल चीज खरीदना चाहता है, तो वहां पर इन्फ्लेशन ना हो जाए इसलिए आरबीआई वहां पर ये कंज्यूमर क्रेडिट को बहुत दिमाग के साथ रेगुलेट करता है, ताकि मेरी, अगर सबके पास सब चीजें हो जाएंगी तो महंगाई कितनी बढ़ जाएगी ना। तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में ये जो हमारा चौथा नंबर है, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट सिलेक्टिव कंट्रोल मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का मतलब अपनी चीज का प्रचार करना, एडवर्टाइज करना, ये भी एक क्रेडिट कंट्रोल मेथड है। सेंट्रल बैंक एजुकेट करता है लोगों को, प्रचार करके अपनी इकोनॉमिक और मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में बताता है, और इसके साथ साथ वो चाहता है कि लोग जो हैं वो उसके फेवर में रहें, वो लोग उसकी मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाएं और दिल से अपनाएं, राइट। इसके लिए वो प्रचार करता है कि लोग मेरे इन्फ्लुएंस में आए और जो भी मैं पॉलिसीज बना रहा हूँ उस सबको सराहा जाए, लोग मेरे साथ रहें। अब अगर वो लोगों को एजुकेट ही नहीं करेगा कि आरबीआई बैठा क्या कर रहा है, तो नेचुरली लोग मे बी उसको समझ ही ना पाए क्या है, क्या हो रहा है हमारे देश का। लाइक ये छोटी छोटी पॉलिसीज का प्रचार करके वो लोगों को भी इन्फ्लुएंस करता है और लोगों को एक ज्ञान देता है कि भैया ये जो मैं मॉनिटरी पॉलिसीज बना रहा हूँ ये हैं और इससे हमारे देश का भला होगा। सेंट्रल बैंक जनरली अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की भी स्टेटमेंट्स पब्लिश करता रहता है, अपनी एक्टिविटीज जो जो उसने काम किए हैं, मनी बैंकिंग कंडीशंस में क्या क्या नई चीजें आई हैं इसके बारे में भी वो प्रचार करता है, पब्लिश करता है। ये जनरल पब्लिक के लिए है कि वो इस मटेरियल को पढ़ सकते हैं और अपने देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में जो है वो जानकार बन सकते हैं। लेकिन ये मेथड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा यूजफुल नहीं है, जहां पर लोग अनपढ़ होते हैं और वो आरबीआई की पॉलिसीज को समझ नहीं सकते हैं। देखिए आपने बहुत ज्यादा एड देखी होगी टीवी पे, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये क्या है, ये पब्लिसिटी है, ये प्रचार है जो आरबीआई कर रहा है, आप लोगों को ये ज्ञान दे रहा है कि ये जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है इनको बहुत सोच विचार करके यूज किए, कोई आपको फ्रॉड करके आपके पैसे ना लेकर भाग जाए। तो ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट, पब्लिसिटी विच इज डन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एक्शन, देखिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, वहां पर अगर आप नहीं सुनते हो अपने टीचर की, तो पहले आपको रिक्वेस्ट किया जाता है, फिर ऑर्डर दिया जाता है, और फिर भी आप नहीं सुनते हो तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक्शन लिया जाता है, आपको पेनल्टी ली जाती है, राइट। आपके ऊपर फाइन दे दिया जाएगा या घर आपके लेटर पहुंच जाएगा, फोन कॉल कर दिया जाएगा, मेल कर दिया जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो डायरेक्ट एक्शन जो है वो ये आरबीआई है जो कमर्शियल बैंक्स पे लेता है, अगर पानी सिर से ऊपर उठ जाए। डायरेक्ट एक्शन मीन्स द डायरेक्शंस इशूड बाय द सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक्स रिगार्डिंग देयर लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। जैसा कि हमने आपको बताया, वो टाइम टाइम पर कमर्शियल बैंक्स को निर्देश देता रहता है कि ये आप कीजिए और ये आप ना कीजिए, डूज एंड डोंट्स। अगर कोई कमर्शियल बैंक इग्नोर करता है, यही रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानता नहीं है, तो कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो बनती है। सेंट्रल बैंक में चार्ज पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है, उस पर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा सकता है, जो बैंक रेट चार्ज किया जाता है उससे ऊपर और भी चार्ज किया जाता है एज अ पनिशमेंट, ताकि उनको ध्यान रहे कि आगे से उसके निर्देश को फॉलो करना है। सेंट्रल बैंक में रिफ्यूज टू ग्रांट मोर क्रेडिट टू द बैंक्स हुज बोरोइंग्स आर फाउंड टू बी इन एक्सेस ऑफ द कैपिटल एंड रिजर्व्स। हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि आरबीआई रेशियो फिक्स कर देता है कि भैया तुम्हारे इतने एसेट होने चाहिए, इतना कैपिटल होना चाहिए, और अगर फिर भी कोई कमर्शियल बैंक उसकी बात नहीं सुनता, आरबीआई कहता है स्पेकुलेटिव एरियाज में प्लीज लोन मत देना, उसके बाद भी अगर कोई दे देता है तो अगर वो नहीं सुनते हैं तो उनके ऊपर कुछ पेनल्टी लगाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा
वो जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को रिफ्यूज कर सकता है। अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो वो आपको ज्यादा क्रेडिट नहीं देंगे, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा क्रेडिट नहीं देगा। लेकिन ये जो डायरेक्ट एक्शन है, जो पेनल्टी लगाने वाली चीज हमने आपको बताई, इसमें क्या है, देखिए फोर्स, थोड़ा जबरदस्ती वाला काम हो जाता है जिसमें एटमॉस्फेयर ऑफ फियर, भय का जो वातावरण है वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में बन सकता है आरबीआई के लिए। तो ये हमारा था आज का आर्टिकल, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया है। आपको इसके रिलेटिंग कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।